Hello friend, namaste, sastrikal, good morning. Today I am going to explain about how to prepare document series in SAP Business One. आज मैं डिस्कस करूंगा कि SAP Business One में आप डॉक्यूमेंट सीरीज कैसे बनाएंगे और अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई आइकॉन है तो उसका नाम भी चेंज करना है तो वो भी चीज़ आप कर सकते हैं. आइटम मास्टर में अगर आपको आइटम का कोड जो है वो ऑटो जनरेट होके आना चाहिए तो वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे. बिजनेस पार्टनर में अगर आप कस्टमर बना रहे हैं, वेंडर बना रहे हैं, तो वो आपका जो कोड है वो कस्टमर का और वेंडर का वो ऑटो जनरेट होके आने चाहिए तो ये कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे. एक रिक्वेस्ट आया था वीडियो का कि सर आप डॉक्यूमेंट सीरीज पे वीडियो बनाएं, तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट की यहाँ पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. क्योंकि एवरी सेशन में क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट सीरीज चेंज होता है. जितने भी कंपनी यूज कर रही है, SAP B1 यूज कर रही है, कोई भी SAP S4 हो ना हो या कोई भी आप ERP यूज कर रहे हैं, तो एवरी सेशन में क्या होता है, डॉक्यूमेंट सीरीज चेंज होता है. तो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इस मेनू में जाके आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आप सेटअप में जाइए और वहाँ से आप जाके आप डॉक्यूमेंट सीरीज में जा सकते हैं. बट इतना मैं लेंदी नहीं करता, मैं यहीं से सर्च कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नंबरिंग सॉरी ये नहीं है ये नहीं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सीरीज डॉक्यूमेंट नंबरिंग ये डॉक्यूमेंट नंबरिंग ये यहाँ से हम खोलेंगे. अगर आपको बाय मोड जाना है तो आप यहाँ पे लिखिए, अपने आप पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट नंबरिंग का ये क्या है. मेन मेनू एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, सिस्टम में जाइए एंड डॉक्यूमेंट नंबरिंग. अब सिस्टम एनालाइजेशन में ही हैं और आप जाएंगे सिस्टम एनालाइजेशन और यहाँ पे है ये डॉक्यूमेंट नंबर. ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन होके आएगा ये. अब ये डॉक्यूमेंट नंबरिंग का देखिए इम्पोर्टेंस ही क्या है. अगर अभी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे अगर जिसका सीरीज नहीं बना होगा तो ये आपको स्क्रीन ओपन नहीं होगा, आप इसके स्क्रीन को ओपन नहीं करो. सपोज दैट जैसे मैं ट्राई करता हूँ ओपन करना, यहाँ पे कोई भी परचेज साइकिल है, इसमें मैं परचेज ऑर्डर ओपन करूंगा. अगर इसकी सीरीज नहीं बनी रहेगी तो ये ओपन नहीं होगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी सीरीज बनी हुई है प्राइमरी करके बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, इसी वजह से ही आ रहा है. अगर ये आपकी सीरीज नहीं बनी होती तो ये आपका स्क्रीन ओपन नहीं होता. क्या बोलता कि पहले आप डॉक्यूमेंट सीरीज बनाओ, जैसे कि मैं देखता हूँ कोई सारे बने हुए, इसमें सारे बने हुए तो मैं आपको ये चीजें दिखा नहीं पा रहा हूँ. देखता हूँ सारे ही बने हुए हैं, सभी है ये, आपको इस तरह से स्क्रीन खुलेंगे नहीं, ये यहाँ पे एरर लिख के आएंगे कि आप सबसे पहले क्या करिए, आप डॉक्यूमेंट सीरीज बनाओ फिर जाके ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा, ये चीज़ें लिख के आएगी. कोई भी एक स्क्रीन दिखा देता हूँ अगर उस तरह का है, सभी है, सभी बने हुए हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आ रहा है. आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ क्या आ रहा है, प्राइमरी वन करके बाय डिफॉल्ट आ रहा है, लेकिन हमें अपनी एक सीरीज डॉक्यूमेंट सीरीज बनानी है. उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको डॉक्यूमेंट सपोज दैट जैसे कि हमें एयर इनवॉइस का डॉक्यूमेंट सीरीज बनाना है, तो डॉक्यूमेंट सीरीज बनाने के लिए दो तरह के होते हैं, एक होता है बिल ऑफ सप्लाई होता है, दूसरा क्या होता है GST टैक्स इनवॉइस. तो GST टैक्स इनवॉइस आप आएगा ये स्क्रीन पे देखिए, एयर इनवॉइस का मैं स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. आप यहाँ पे देखिए, जब आप एयर इनवॉइस की स्क्रीन खोलेंगे तो अभी क्या है, ये GST टैक्स इनवॉइस है, तो यहाँ पे इसकी सीरीज अलग चलेगी. ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करते हैं तो उसकी सीरीज अलग होगी. यदि आप यहाँ पे GST डेबिट मेमो लेते हैं तो इसकी सीरीज अलग चलेगी, सभी की अलग सीरीज चलेगी. तो इसको मेंटेन करने के लिए हम कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे. सपोज दैट ये हमारा एयर इनवॉइस का है, मैं एक बनाऊंगा आपको सारे पता चल जाएंगे कि कैसे होते हैं. तो यहाँ पे आएंगे AR invoice पे, ये डॉक्यूमेंट सीरीज खोलेंगे, ये AR invoice है, AR invoice में जाके आप सबसे पहले किस पे बनाएंगे, GST टैक्स इनवॉइस, ये सीरीज बनाएंगे. ठीक है, अब प्राइमरी वाला जो बाय डिफॉल्ट है इसको आप रहने दीजिए, यहाँ पे लास्ट नंबर आप करके आप इसको क्लोज कर दीजिए, नहीं तो आगे बनने नहीं देगा. आप यहाँ पे 10 पे क्लोज कर दीजिए, 100 पे कुछ पे क्लोज कर दीजिए. ठीक है, इसको आप मैंने 100 पे क्लोज कर दिया, जब ये 100 जाएगा तब क्लोज होगा, बाय डिफॉल्ट ये रहने देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ AR invoice का, तो AR invoice का
एड रो, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, ए आर इनवर्स है तो हम बनाएंगे ए आर आई एन वी, इसकी सीरीज बननी है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेगा, सपोज दैट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1000 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1000 आएगा, एंड क्लोज कहाँ पे करूँगा, 1099 पे इसको क्लोज करूँगा। इसका प्रीफिक्स क्या रखना है हमें, ए आर, जो हमें डॉक में लिख के आएगा ए आर, इसको ए आर आई एन वी, यहाँ पे मैं प्रीफिक्स रख दूंगा, स्लैश लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स के बाद सफिक्स जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, तो सफिक्स में रखता हूँ मैं कि 22-23 सेशन डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आपका 24 जाएगा तो 24 रखना, यदि आपका अभी सेशन 22-23 चल रहा तो उस हिसाब से रखना। ये जो डिफॉल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको डिफॉल्ट नहीं, आपको पीरियड देना पड़ेगा, पोस्टिंग पीरियड, तो पोस्टिंग पीरियड आपको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो पोस्टिंग पीरियड क्या होगा हमारा, एफ वाई फाइनेंस, इसमें पोस्टिंग पीरियड नहीं डिफाइन किया हुआ इसीलिए हमें करना पड़ रहा है 22-23, ये पोस्टिंग पीरियड हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, ठीक है। ये पोस्टिंग पीरियड हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको, अब इसको ब्रांच असाइन करेंगे कि सपोज दैट इसमें नंबर्स ऑफ ब्रांच है और ये सीरीज किसी पार्टिकुलर ब्रांच के लिए चलेगा, तो हम यहाँ पे ये ब्रांच सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज दैट कि इस सीरीज को नहीं आपको कंटिन्यू करना है, लॉक करनी है, तो उस केस में हम इसको ऐसे चलाएंगे, ठीक है। और इसको जैसे ही हम अपडेट करेंगे, ये देखिए ये अपडेट हो गया, अब इसको अपडेट कर देंगे तो हमारा जो एआर इनवॉइस का जीएसटी टैक्स इनवॉइस, जो एआर इनवॉइस बनेगा उसका सीरीज बन गया। अगर आप जीएसटी टैक्स इनवॉइस आप बनाएंगे, जीएसटी टैक्स इनवॉइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सीरीज आपको दिखेगा। इसको बंद करके क्लोज करके फिर ओपन करते हैं, क्योंकि हम ये पहले से ओपन था तो अपडेट नहीं लिया होगा, अब आएगा। अब जैसे ही हम जीएसटी टैक्स इनवॉइस लेते हैं तो यहाँ पे आपको जीएसटी टैक्स इनवॉइस में ही तो बनाया था, अभी देख लेता हूँ, जीएसटी टैक्स लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, जस्ट मिनट मैं चेक करता हूँ इसको क्या इशू है। अच्छा, जीएसटी टैक्स इनवॉइस में आया नहीं, जीएसटी टैक्स इनवॉइस ओके तो कर दिया था ना, अपडेट हो गया था, जीएसटी टैक्स इनवॉइस आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे ये जाएगा किसमें, ये जाएगा आपका बिल ऑफ सप्लाई में, इसको क्लोज कीजिए 100 पे क्लोज कर दिया, ठीक है। 100 पे क्लोज होने के बाद हम आ जाएंगे, इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सेकेंड, अब यहाँ पे हमने बना दिया ए आर आई एन बी आई एन बी, उसके बाद इसको अभी हमने वहाँ 1000 से शुरू किया था, 1000 से चला था वो, तो इसको हम 2000 से शुरू करते हैं, ठीक है। ये 2000 से चलेगा और ये कहाँ तक जाएगा, 299 तक जाएगा, और इसको डिफॉल्ट नहीं बल्कि फाइनेंशियल या ये रखना है, और उसके बाद ब्रांच हमें ये रखना है, ठीक है। ये हो गया, अब आप इसको अपडेट, अच्छा एक मिनट, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स हमने नहीं डाला, तो यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स डालेंगे, तो यहाँ पर डाल देते हैं ए ए आर आई एन बी स्लैश, ये हो गया आपका स्लैश 22-23, ठीक है। ये हो गया कैंसिल लॉग, ठीक है। अब इसको अपडेट कर दीजिए, ये कंप्लीट हो गया। अब आप डॉक्यूमेंट सीरीज ओपन करके देखें तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट नंबरिंग ये है, आप इस पे आएंगे तो आपको ये देखिए। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें बना ली, एक तो बना लिया हमने कि जीएसटी टैक्स इनवॉइस के लिए क्या जाएगा सीरीज, दूसरा बनाया हमने कि जो हमारा जीएसटी टैक्स इनवॉइस है उसके लिए क्या जाएगा सीरीज। अब तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा हमारा जीएसटी डेबिट मेमो, डेबिट मेमो का भी बनाते हैं।
इसको मैं 100 पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं ए आर डेबिट नोड डीएन, ए आर डीएन। कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको? इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग 2099 तक गया था 3000 से, 3000, ठीक है। एंड ये क्लोज हो जाएगा 3999 पे क्लोज हो जाएगा। इतना कर दिया हमने। अब इसको हमने फाइनेंशियल ये डाल दिया, इसको हमने ब्रांच अलाउट कर दिया। अब इसी ब्रांच के लिए ये सीरीज चलेगा, जिस ब्रांच को आप अलाउट करेंगे उसी ब्रांच के लिए सीरीज चलेगा, ठीक है। अब आप यार इनवॉइस ओपन करके देखिए, तो अभी मैनुअल ये चल रहा है, एक मिनट मैं इसको लॉग आउट करके देखता हूँ। लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करता हूँ तो सही होगा। इसको पहले मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, क्योंकि पासवर्ड जितना ईजी रखे उतना अच्छा है। पासवर्ड चेंज करने पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, और यहाँ पे जो हाई प्रायोरिटी कर रखा है मैं लो कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लो करने के बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, तो फिर मैं पासवर्ड अपडेट कर दूँगा। पासवर्ड अब मैं यहाँ पे जो इसका ओल्ड पासवर्ड है वो डाल दिया। अब मैं न्यू पासवर्ड डाल देता हूँ जो सिंपल है, 1234 और 1234 इस तरह से डाल दिया, और इसको अपडेट कर दिया। इनकरेक्ट पासवर्ड, ओके, आई थिंक कैप लॉक ऑन हो रखा, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। कैप लॉक ऑन हो रखा था, तो इसके वजह से, तो ये मैं इसको अभी हमारा पासवर्ड अपडेट हो गया। अब हम फिर से लॉगिन करते हैं, तो देखिए इसको, हालांकि लॉगिन जरूरी नहीं था, फिर भी मैं देखता हूँ क्या इशू है। ब्रांच हो सकता है कि हमने कोई और सिलेक्ट कर रखा हो और यहाँ पे साइन कोई और कर रहा है। लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए हमने इसके लिए साइन किया है, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आएंगे, अब हम क्या करेंगे, सेल्स में जाएंगे एंड एआर इनवॉइस खोलेंगे। एआर इनवॉइस पे हमारा सीरीज नहीं आ रहा, इसे कैसे हो गया, डॉक्यूमेंट सीरीज ब्रांच में दूसरा दे दिया क्या, डॉक्यूमेंट नंबरिंग ब्रांच ग्रो मदर यही है, तो जनरेट दिस फर्स्ट डिफाइन ऐसे ही आएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट सीरीज नहीं बनाया तो ये लिख के आएगा, जो अभी लिख के आ रहा है, तो ऐसे ही ये लिख के आता है। तो इसको देखो, इसकी इशू क्या है, हमें सारे ही बनाने होते हैं इसमें दरवाजे ओपन। अच्छा, जनरल एंट्री का भी तो बनेगा, क्योंकि तो इस पर जनरल एंट्री जा रहा है, तो हमें जनरल एंट्री भी बनानी पड़ेगी। बट AR inverse, GST tax inverse हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद GST tax inverse भी हो ही गया, ठीक है। जनरल एंट्री बना लेता हूँ, और हम लोग जनरल एंट्री, क्योंकि ए आर इनवॉइस के साथ क्या होगा, जनरल एंट्री जाएगा, तो जनरल एंट्री की भी सीरीज बनानी पड़ेगी।
वो जनरल एंट्री भी इस पे बनाता हूँ, फिर क्लियर होगा। ओपन होनी थी बट नहीं हो रहा, इन दैट केस हमें ये है जनरल एंट्री, ये इसकी इसकी सीरीज बनाता हूँ, JEN 1 2, लास्ट हम ले जाते हैं कितना, 1000 नहीं 10,000, क्योंकि जनरल एंट्री क्या होता है, सबसे ज़्यादा हर ट्रांजेक्शन पे जनरल एंट्री चलता है, तो आप जब भी सीरीज बनाएं तो इसको ज़्यादा रखें, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, बीच में ही ट्रांजेक्शन वो क्लोज हो जाएगा और आपको फिर से बनानी पड़ेगी। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी जनरल एंट्री की सीरीज बनती है वो ज़्यादा करके बनती है, ताकि आप ट्रांजेक्शन कंटिन्यू कर सको, अदरवाइज क्या होगा कि आपका ट्रांजेक्शन बीच में ही रुक जाएगा। इसीलिए जनरल एंट्री की सीरीज हमेशा क्या करनी है, ज़्यादा करके बनेगी। आप एक पूछ लेना क्लाइंट से, यूजर से, कि भाई कितनी ट्रांजेक्शन होती है, उस हिसाब से आप जनरल एंट्री की सीरीज बनाना, नहीं तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेगी, तो ये ध्यान रखना। ये हमने बना दिया AR invoice, उसके बाद यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है, आना चाहिए था यहाँ पे। यू आर गोइंग टू एक्टिवेट द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट फाइनली आफ्टर पोस्टिंग द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन द स्लीव, द चेंज इज इरिवर्सिबल, डू यू वांट टू कंटिन्यू। Gracias.